जम्मू कश्मीर पुलिस ने दो कुख्यात अपराधियों को अरेस्ट किया है और उनसे 8.5 ग्राम हेरोइन और फेक करेंसी नोट्स को बरामद किया है। मामला है जम्मू का और जम्मू में पीरबाग सुंजवा में एक नाका लगाया गया जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और उस नाके में दो अपराधियों को जिनका नाम मोहम्मद असलम जो कि सिदरा के रहने वाले हैं और उसके अलावा राशिद अली जो कि पीरबाग कॉलोनी सुंजवा का रहने वाला था, इन दो अपराधियों को अरेस्ट किया है। इन्हें मैं अपराधी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इनके खिलाफ दर्जनों FIR जो हैं वो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हैं। जिनका नाम मोहम्मद असलम बताया जा रहा है उर्फ सोनू, उसके खिलाफ ऑलरेडी NDPS एक्ट में FIR दर्ज है, अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR दर्ज है, बोवाइन स्मगलिंग के चार्जेस लगाए जा चुके हैं, थेफ्ट को लेकर यानी कि चोरी का इल्ज़ाम भी उन पर लगा है, चोरी की FIR भी उनके खिलाफ लगी हुई है। और उसके अलावा इस व्यक्ति को मोहम्मद असलम को PSA में भी पहले बुक किया गया था। उसके अलावा जो दूसरा अपराधी पकड़ा गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा राशिद अली उर्फ जाकिर, उसे भी पहले भी एक बार फेक करेंसी नोट्स के मामले में अरेस्ट किया जा चुका है और उसके खिलाफ पहले भी पुलिस स्टेशन बाहू फोर्ट में एक FIR दर्ज थी। इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस स्टेशन बाहू फोर्ट की एक टीम जिसके हेड कर रहे थे SHO पुलिस स्टेशन बाहू फोर्ट इंस्पेक्टर दीपक पठानिया और उन्हें असिस्ट कर रहे थे इंचार्ज पुलिस पोस्ट भटिंडी सब इंस्पेक्टर शबीर कोहली, उन्होंने पीरबाग सुंजवा में एक नाका लगाया। नाका लगाने के बाद इन दो अपराधियों को जो है फेक करेंसी नोट्स के साथ और साथ ही में 8.5 ग्राम हेरोइंस के साथ पकड़ा। ये दोनों अक्यूज जो है वो एक मारुति 800 गाड़ी जिसका नंबर JK21A7206 बताया जा रहा है उस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे और उस गाड़ी की जब सर्च की गई तो उसमें से 8.5 ग्राम हेरोइन तो मिली, साथ ही में 158 फेक करेंसी नोट्स जिसकी कीमत जो है 47,800 बताई जा रही है, 47,800 के फेक करेंसी नोट्स भी उस गाड़ी से बरामद किए गए। उसके बाद पुलिस स्टेशन बहूफोर्ट में FIR लगाई गई, FIR नंबर 115/2021 अंडर सेक्शन 8, 21, 22, 25 and 29 ऑफ NDPS एक्ट और साथ ही में सेक्शन 489A, सेक्शन 489B और सेक्शन 489C इंडियन पीनल कोड के इन धाराओं के तहत जो है इन दोनों को अरेस्ट किया गया और FIR लगाई गई। जब इनकी क्वेश्चनिंग चल रही थी उसके बाद अक्यूज ने माना है कि उन्होंने ये अपराध किया है और साथ ही में अन्य इलीगल जो आइटम्स हैं वो भी इनसे रिकवर की गई, जिसमें एक लैपटॉप थे, एक प्रिंटर था, एक मैग्नेटिक इंक की 4 बॉटल्स थी, प्रिंटिंग पेपर था और डिजिटल वेइंग मशीन थी, जिन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके ये फेक करेंसी नोट्स जो हैं वो प्रिंट करते थे। ओवरऑल अरेस्ट की गई और अभी भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जम्मू शहर के बीचों बीच जो हैं किस तरीके से नशे की तस्करी हो रही है आप समझ सकते हैं। आए दिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कोई ना कोई अरेस्ट करती है, कहीं से हेरोइन बरामद होती है, कहीं से पॉपी सीड्स बरामद होते हैं और नशे का अलग अलग सामान अलग अलग नाकों पर जब गाड़ियां चेक की जाती हैं तो वहां से बरामद किया जाता है। उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर पुलिस छापेमारी करती है और कई जगहों से नशे का ये सामान बरामद करती है और नशे के इन तस्करों को अरेस्ट करती है। लेकिन आप समझें कि ये वो अपराधी, वो नोटोरियस क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ ऑलरेडी पुलिस स्टेशनों में दर्जन FIR दर्ज हैं, जिनके खिलाफ पहले भी नशे का कारोबार करने का, फेक करेंसी नोट्स छापने का, फेक करेंसी नोट्स कैरी करने का, अटेम्प्ट टू मर्डर तक का चार्ज लगा हुआ है, ये नोटोरियस अपराधी जो हैं अभी भी नशे का कारोबार करते जम्मू में नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि नशे को कंट्रोल में लाने के लिए और नशे को के ऊपर रोक लगाने के लिए जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस एक्टिव है, वहीं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी इसी काम के लिए बनाई गई है और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर से नशे को उखाड़ फेंका जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी दिन दहाड़े जम्मू कश्मीर में नशे का कारोबार चल रहा है और आज भी जम्मू में चिट्टा बिक रहा है।